ये आप 10। हालांकि मैं बाइक्स पे दो दो कपड़े डालता हूँ क्योंकि ये वाटरप्रूफ कपड़ा है, इसके अंदर पानी तो जाएगा नहीं। सिंपली धो दिया बस। एहतियातन मैं अपनी जो है वो ब्रेक डिस्क की साफ कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। और भाई आज के गेम्स ऐसे होंगे कि कल रात को आंधी है ये बहुत खतरनाक किस्म की। और ये आप डस्ट आप लोग देख रहे होंगे और जो है ना अखीर हुई पड़ी है। हालांकि मैं बाइक्स पे दो दो कपड़े डालता हूँ मगर आपको दिखाऊँ, एक ये देखिए, एक ये और दूसरा ये कपड़ा है, ठीक है। इसी तरह YBR में एक ये कपड़ा है, दूसरा ये, ठीक है। उसके बावजूद हालात ऐसे ख़राब होंगे जिसकी इंतहानी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि गेम्स क्या होते हैं। अब मैं एक तरफ ये सोच रहा हूँ कि इस कपड़े को ही डले डले इसके ऊपर पानी डाल के ऐसे ही वॉश कर दूँ क्योंकि ये वाटरप्रूफ कपड़ा है, इसके अंदर पानी तो जाएगा नहीं। तो मेरा लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे किया था तो वो मेरा एक्सपेरिमेंट चल गया था। तो अब मैं इसको जो है ऊपर ऊपर से धो देता हूँ कि भाई जान क्या करूँ, अब कुछ तो करना है ना, झाड़ने से काम नहीं चल रहा। पहले मैं करता ये हूँ, मैं ना बाइक सारा स्टार्ट कर लेता हूँ, अच्छे से चेक कर लेता हूँ कि कहीं से पानी अंदर ना जाए, बस ठीक है। ये सारा हो गया, अब नीचे भी सारा नीट करना पड़ेगा। बाइक निकालूंगा, कुछ भी करूंगा, डस्ट उड़ेगी, हवा चलेगी, डस्ट उड़ के ही बाइक के ऊपर जाएगी। हमारे पास मशीनें वगैरह तो है नहीं भाई, होने के लिए देसी काम है। सिंपली धो दिया बस। हल्का हल्का हाथ मार दूंगा ताकि जो है ना मट्टी निकल जाए। और सेम मैं प्रोसीजर इस पे भी करूंगा, IBR पे भी, इसका भी तरह कपड़ा अच्छी तरीके से धो दूंगा। और सेम प्रोसीजर मैं 70 पे भी कर दूंगा। ठीक है, अब दो स्टेप्स मेरे हो गए हैं बाइक के कपड़े वाले। तीसरा स्टेप ये है कि अब मैंने जो है ना फर्श रीड करना है क्योंकि जब दोबारा हवा आएगी हरी मट्टी ऊपर आएगी। यहाँ पे आके कोशिश करनी है प्रेशर ना मारे क्योंकि सारे मेरे जो आप देख रहे होंगे नीचे ब्रेक पैड्स डिस्क वगैरह सारे हैं, तो इसके नीचे से आराम से निकाल लूँगा। बाकी पेडॉक स्टैंड भी बचाना है मैंने, सारा लोहे का इसको रस लग जाएगा। ओके, तो गाइस फ्लोर जो है वो मैंने क्लीन कर लिया है, बड़ा मस्त करके धो दिया है। और मैंने जो है ये R6 का कपड़ा उतारा है, पूरा नहीं सिर्फ हाफ, जिस तरह पानी खड़ा हुआ होता है हम पहुँचे ऊपर नहीं करते, बोला साफ किया मैंने। लेकिन अगर आप अभी भी इसके लोअर पोर्शंस पे देखोगे कि वो लोअर पोर्शन पूरा कवर नहीं होता, तो ये देख रहे हैं आप डस्ट, ठीक है। तो ये मैं लोअर पोर्शंस को जो है वो अच्छे से साफ़ कर लूँगा, सिर्फ डस्ट को, क्योंकि धोने वाला मामला नहीं, बार बार वॉश करने पर भी जो है चीज़ें ख़राब होंगी। सिंपली अच्छे से जो है वो रिम अगला और पिछला साफ कर लूँगा।
ये देखें, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को मेरी वीडियो जो है वो पसंद आ रही होगी आपको। प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और ये अच्छे से सारे मैंने कॉर्नर्स साफ कर दी हैं, यहाँ से वीडियो तेज़ कर दूँगा। अब मैंने आज यू नो कि मैंने फर्श धोया था, तो ये हल्का हल्का पानी जो है, ये देखें पानी जो है वो आ गया, तो मैं इसको ड्राई कर लूँगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है, वरना ये रस्ट बनेगा। एहतियातन मैं अपनी जो है वो ब्रेक डिस्क की साफ़ कर लूँगा। ये देखें इस तरह सेम उस तरफ से भी मैं ऐसे ही करूँगा, और ये सेम प्रोसीजर जो है मैं अपनी दूसरी बाइक पर भी करूँगा। कल तो बहुत ही डस्ट आया यार। सेम जो है मैं इस बाइक पे भी करूंगा, सारा ये देख रहे हैं आप। हालांकि दो दो कपड़े चढ़े हैं बाइक के ऊपर, स्टिल जब आपका डस्ट स्टॉर्म आता है ना, बड़े बुरे हालात होते थे। एक बार डस्ट स्टॉर्म आया था, मेरी बाइक का कपड़ा ही उड़ गया, आज तक नहीं मिला। हर पड़ोसी घर पे बेल बजा के पूछी, उसने कहा नहीं है। ऊपर से गैलरी पे खड़ा होकर देखता भी रहा, शायद कोई बाइक पे चढ़ाएगा, लेकिन कितने नहीं चढ़ाया। ऐसा भी हो जाता है तो, और तो आपके कपड़े लूज हैं तो आप इसको टाई अप कर लें अच्छे से। तो गाइस ये थी मेरी आज की डस्ट स्टॉर्म की स्टोरी, ठीक है। और मुझे भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को भी घर पे आंधी तूफान आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं। वैसे तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरा जो गैराज है वो जिसको कहते हैं ना डस्ट प्रूफ, वो क्योंकि गोरों के पास भी होते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में है ना कि हवा गुजरती, क्रॉसिंग होनी होती है हवा की, तो वो ज़रूरी है। खैर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इस तरह देखते रहिए और लोगों पर फैलाते रहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये मेरा गेम है। There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different...